हेलो स्टूडेंट्स सोशलॉजी सेकंड पेपर बी ए पार्ट सेकंड टुडे आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी ओके सामाजिक जीवन पर प्रौद्योगिक कारकों के कुछ प्रभाव प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं इनमें से कुछ प्रमुख प्रभावों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है ओके okay? तो सामाजिक जीवन पर औद्योगिक काल के कुछ प्रभाव कैसे होते हैं कुछ तो प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ कैसे होते हैं अप्रत्यक्ष इनमें से कुछ प्रभावों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है ठीक ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड थर्ड चेंज इन सोशल लाइफ फोर्थ है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड नेक्स्ट चेंजेस इन इकोनॉमिक सिस्टम चेंजेस इन रिलीजियस लाइफ एंड चेंजेस इन फैमिली लाइफ ओके मतलब सामाजिक जीवन पर क्या है इसका समाज पर प्रौद्योगिकी प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी ओके इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ओके क्या है इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी मतलब समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव ओके तो ये सब क्या है समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव तो फर्स्ट है आपका राइज़ ऑफ द राइज़ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसका मतलब होता है औद्योगीकरण का विकास क्या मतलब है इसका औद्योगीकरण का विकास ओके प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिक विकास का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो औोगीकरण के विकास के रूप में देखा जा सकता है ओके okay? के रूप में देखा जा सकता है है वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी बड़ी द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है औौद्योगिक ज्ञान वह साधन है जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देती है श्रम विभाजन विशेषीकरण बड़ी मात्रा में उत्पादन तथा लाभ की प्रवृत्ति औद्योगिकरण की विशेषताएं हैं सच तो यह है कि हमारे सामाजिक सामाजिक पारिवारिक सांस्कृतिक धार्मिक व्यवहारों को प्रभावित करने में औद्योगिकरण की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है नई प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप हमारे देश में भी भिन्न उद्योगों का तेजी से विकास और विस्तार हुआ है विभिन्न उद्योगों में विभिन्न धर्मों जातियों और संस्कृतियों में के हजारों श्रमिकों के साथ साथ रहकर कार्य करना शुरू करा के okay? इसके फलस्वरूप तो जाति संरचना का परंपरागत ढांचा टूटने लगा प्राथमिक संबंधों की जगह द्वितीयक तथा हित संबंध विकसित हित प्रधान संबंध जो होते हैं ना वो विकसित होने लगे ओके अब नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब नगरीकरण में वृद्धि सेकंड है आपका इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब क्या होगा इसका क्या होता है नगरीकरण ओके इंक्रीजिंग में okay? तो संबंध की दो विशेषताएं मुख्य रूप से ठीक है नगरीकरण का संबंध मुख्य रूप से दो विशेषताएं हैं है। और फर्स्ट ग्रामी है ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्र में बदलना और है नगरीय विशेषताओं का ग्रामीण जीवन में प्रसार होना प्रौद्योगिकी के विकास में प्रौद्योगिकी के विकास में जब में वृद्धि हुई और एक बड़ी जनसंख्या आजीविका की खोज में नगरों में आकर बसने लगी इससे छोटे छोटे नगर बड़े बड़े नगरों में परिवर्तित होने लगे नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र नगरों में संबंधित हो गए इसके फलस्वरूप इन सीमा इन समीपवर्ती ग्रामीण नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र नगरों में संबंधित हो गए और इसके फलस्वरूप इन समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति के व्यवहार मनोवृत्ति विश्वास और रहन सहन के नगर की विशेषताएं स्पष्ट होने लगी। समीपवर्ती गांव में बहुत से ग्रामीण नगरों में काम करने के लिए आते हैं जल्दी ही उनकी जीवन विधि में परिवर्तन भी होने लगता ओके जिससे वो गांव लौट जाते हैं। दूसरे ग्रामीण उनके व्यवहार जीवन शैली को अपनाने लगते हैं। यही सच है नगरीकरण में होने वाली वृद्धि ने नगरीय और ग्रामीण समुदाय के अंतर को कम कर दिया है लेकिन इस प्रक्रिया को उन समस्याओं को प्रोत्साहन मिला जो औद्योगिकरण की देन है ओके अब नेक्स्ट है आपका गतिशीलता में वृद्धि मतलब इंक्रीजिंग मोबिलिटी ओके सोरोकिन ने स्पष्ट किया है सोर ने स्पष्ट किया है क्या स्पष्ट किया है सोरोकिन ने कि गतिशीलता दो प्रकार की होती है स्थानीय गतिशीलता और सामाजिक गतिशीलता स्थानीय गतिशीलता का तात्पर्य होता है व्यक्ति द्वारा एक स्थान स्थान को छोड़कर दूसरे पर जाने की प्रवृत्ति का बढ़ना गतिशीलता वह दशा जिसमें व्यक्ति की आर्थिक और व्यवसायिक स्थिति में परिवर्तन होने से उसकी सामाजिक परिस्थिति बदल जाती है आज से कुछ समय पहले तक परिवहन के साधनों में कमी के कारण समाज में स्थानीय गतिशीलता की कमी थी और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण भी समाज के परंपरागत नियम और जाति व्यवस्था के द्वारा ही होता था। ओके okay? अब नेक्स्ट है आपका सामाजिक जीवन में परिवर्तन। प्रौद्योगिक कारकों ने हमारे सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया कुछ समय पहले तक लगातार सभी समुदाय का जीवन आत्मनिर्भर था उनके सामाजिक जीवन बहुत सरल थे अनौपचारिक प्रकृति के थे और प्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप धीरे धीरे ये संबंध जटिल और हित प्रधान बनने लगे प्रौद्योगिक विकास में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनमें जाति प्रथा के नियमों का बने रहना संभव नहीं रह गया ओके okay? नई प्रौद्योगिकी शिक्षा और तर्क पर आधारित है इसके फलस्वरूप लोगों की मनोवृत्तियों सामाजिक मूल्य में क्या होने लगा परिवर्तन होने लगा और आदिकाल से व्यक्ति व्यवहार के परंपरागत ढंगों को उपयोग नहीं मानते थे प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप उन व्यक्तियों को भी अपनी स्थिति में सुधार करने का अवसर मिला जिन्हें एक लंबे समय से जाति व्यवस्था के नियमों द्वारा सभी तरह के सामाजिक धार्मिक आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था ओके okay? अब नेक्स्ट है आपका पारिवारिक जीवन में परिवर्तन पारिवारिक जीवन में परिवर्तन, परिवर्तन चेंजेस इन फैमिली लाइफ फैमिली फैमिली लाइफ, परिवर्तन, okay? परिवारिक जीवन में परिवर्तन. को से प्रभावित करते हैं नई प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप संयुक्त तो परिवार की जगह केंद्र और एकाकी परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और लोगों ने आकर मतलब नगर में रहने वाले श्रमिकों के पास आवास की समस्या नहीं थी अकेले ही रहने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता था इसके लिए गाँव के लाखों परिवारों में विघटन की पैदा मतलब की जो तत्व होने लगे गंदी बस्तियों विलंब विवाह में वृद्धि नहीं करी बल्कि धीरे विवाह विच्छेद की संख्या में ही वृद्धि होने लगी ओके और नेक्स्ट है धार्मिक जीवन में परिवर्तन चेंजेस इन रिलीजियस लाइफ ओके परंपरागत समाजों में व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने में धार्मिक मूल्य विश्वासों का विशेष महत्व है प्रौद्योगिक विकास ने धार्मिक मान्यताओं को बदलकर हमारे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित कर दिया ओके okay? अब नेक्स्ट है आपका आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था में, में परिवर्तन चेंजेस इन इकोनॉमिक सिस्टम मतलब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हमारे सभी आर्थिक व्यवहार सामाजिक संबंधों को प्रभावित करके समाज में परिवर्तन लाते हैं नई प्रौद्योगिकी के नई प्रौद्योगिकी के, के फलस्वरूप श्रम विभाजन और विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिलने से व्यक्ति की जाति और पारिवारिक पृष्ठभूमि का उतना महत्व नहीं रहेगा जितना कि व्यक्तिगत कुशलता का, का। प्रौद्योगिकी ने श्रमिकों को संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करने का प्रोत्साहन किया और आज बड़े बड़े श्रमिक संघों का विकास इसी दशा का परिणाम है ओके okay? अब नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक ओके इकोनॉमिक फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेस सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है

शक्तियों से होता है जो किसी समाज के आर्थिक संरचना का निर्माण करती है okay? व्यवस्था आर्थिक नीतियां, श्रम विभाजन की प्रकृति तथा आर्थिक स्पर्धा में वह प्रमुख आर्थिक कारक हैं जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को एक विशेष ढंग से प्रभावित करते हैं मार्क्स के अनुसार केवल उत्पादन का स्वरूप अथवा उत्पादन का ढंग अकेले इतना महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है जिसमें होने वाला कोई भी परिवर्तन संपूर्ण सामाजिक संरचना को बदल देता है सामाजिक परिवर्तन में संबंधित विभिन्न आर्थिक कारकों की प्रकृति को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है फर्स्ट है आपका उपभोग की प्रकृति नेचर ऑफ कंज्यूम्स ओके उपभोग की प्रकृति नेचर ऑफ कंज्यूम्स और नेक्स्ट क्या है आपका उत्पादन की प्रणाली उत्पादन प्रणाली मोड्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की प्रणाली है. ठीक है ये क्या है इकोनॉमिक फैक्टर्स है किसके सोशल चेंज के नेक्स्ट क्या है आपका वितरण की व्यवस्था